फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल यूनिक मेडिसिन, जिस पर हम लेकर आते हैं दवाइयों के बारे में लेटेस्ट जानकारी। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे सिट्राजिन टैबलेट IP 10 mg के बारे में। दोस्तों, सिट्राजिन टैबलेट सिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड 10 mg की टैबलेट होती है, जिसका इस्तेमाल एलर्जी, बहती हुई नाक को रोकने में, बहुत ज़्यादा छींके आने में, आँखों से पानी निकलना, आँखें लाल होना, नाक लाल होना, नाक छिल जाना, नाक बहने की वजह से नाक लाल हो जाती है, अगर नाक छिल जाती है, स्किन की एलर्जी हो जाती है, या किसी कीट या मकोड़े की काटने की वजह से स्वेलिंग हो जाती है बॉडी के किसी भी हिस्से पर, या उनको खुजली होने लगती है, या कभी एलर्जी अस्थमा हो जाता है किसी पेशेंट को, तो ये सब रोगों में इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड, सिट्राजिन टैबलेट एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, जो कि एलर्जिक डिसीज़ को रोकने के लिए बहुत ही कारगर है। हम बात कर लें इसके प्राइस की, तो ये मार्केट में 30 से 35 रुपए की 10 गोली की एक स्ट्रिप मिल जाती है, जिसमें कि 10 गोलियां होती हैं, आप देख सकते हैं, और इस ये मार्केट में आपको आसानी से 30 से 35 रुपए की मिल जाती है। और अगर हम बात करें इसकी कंपनी ब्रांड की, तो ग्लैक्सो, सिप्ला, ये सारी कंपनियां इनको बनाती हैं, और इसके साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं। अगर किसी पेशेंट को रेयर केस में बहुत कम देखने को मिलता है कि उसे नींद आ रही है, वीकनेस हो रही है, या पेशाब में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, पेशाब जल के आ रहा है या पेशाब में ब्लड जैसा आ रहा है, तब उन पेशेंट को ये दवाई नहीं लेनी है। या बच्चों में कभी कभी देखा जाता है कि एब्डोमिनल पेन हो जाता है उनको, तो उस तरह से बच्चों में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तब इस दवाई का इस्तेमाल नहीं करना है। और कभी भी फ्रेंड्स, आप कोई दवाई लेते हैं तो अपने डॉक्टर से प्रेस्क्राइब करने के बाद ही दवाई को लें। सिट्राजिन टैबलेट 5 mg और 10 mg दो फॉर्म में आती है, और सिट्राजिन का सिरप भी आता है बच्चों के लिए, ड्रॉप भी आते हैं, तो ये अलग अलग फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएंगे। जो बच्चों के लिए होता है वो पीडियाट्रिक्स जो है अपना रिकमेंड करते हैं, डॉक्टर बच्चों के जो डॉक्टर होते हैं वो सिरप और ड्रॉप रिकमेंड करते हैं, और बड़ों के लिए ये टैबलेट दी जाती है। फ्रेंड्स, अगर हम इसके डोज की बात कर लें, तो एक टैबलेट 5 या 10 mg की जो भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वो आपको लेनी चाहिए, और ये अपना 20 से 30 मिनट के अंदर काम शुरू करके आपको रिलीफ करना शुरू कर देती है। और इसको डेली आप शाम को एक टैबलेट खाने के 1 घंटा या 40 मिनट बाद ले सकते हैं। 3 से 5 दिन का इस टैबलेट का कोर्स रहता है, और अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम है, लंबे समय तक आपका कुछ एलर्जिक प्रॉब्लम रह रही है, तब भी आप इसका इस्तेमाल खुद से नहीं करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आप इसका इस्तेमाल करें। अगर आपको प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती है तब डॉक्टर से आगे मिलना ज़रूरी हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर हम इसके बारे में देखें कि ये किसको बिल्कुल मना है, इस दवाई को किन किन पेशेंट को नहीं लेना चाहिए, या कौन लोग हैं जो इसको बिल्कुल नहीं ले सकते, तो सबसे पहले जो लोग अल्कोहलिक यूज़ करते हैं, जो शराब पीते हैं, तो वो इसको बिल्कुल ना लें, क्योंकि शराब के साथ इसका रिएक्शन होता है और ये बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है, टॉक्सिक बनते हैं, तो इसलिए दारू वाले पीने वाले जो लोग हैं वो इसको बिल्कुल ना लें। प्रेग्नेंट लेडी को ये दवाई नहीं लेनी चाहिए, और जो माताएं या बहनें ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, बच्चों को अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को दूध पिलाती हैं, वो इस दवाई को खुद से ना लें। अगर उनको ज़रूरत है तो डॉक्टर इसकी डोज को एडजस्ट करके अपने हिसाब से कैलकुलेट करके देते हैं, तो वो डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बाद ही इस दवाई को लें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको कुछ नई जानकारी ज़रूर मिली होगी, और मैं हूँ आपका दोस्त AK, ऐसे ही चैनल पर नए नए वीडियोज़ में लेकर आता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्तों को भी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। सेफ रहें, अपना ख्याल रखें।